सतेंद्र सिंह जी, मेरा बेटा जी बाहर कनेडा दे विच अपना साढ़े देश दे विच बेरोजगारी करके, इसलिए असी अपने बेटे नूं उत्थे ठीक रुजगार मिल जाता, इसलिए उन्होंने असी बाहर भेजा सीगा और बच्चे दी मैरिट करके भेजा। बच्चे दे मैरिट दे उपर तकरीबन 20 लाख रुपया साडा खर्च आया। हाँ जी, घटना इस तरह हुई है कि वो काम तो आया सीगा, आराम अपना कर रहा सीगा, ते शाम नूं तकरीबन 8 बजे जो उन्होंने क्वार्टर दे विच होर लड़के रह रहे थे, उन्होंने पता चलिया कि लड़का तुहाडा जिहड़ा हैगा नहीं हैगा, साह नहीं लै रहा। तो उन्होंने फिर सानू दस्सिया कि ये खत्म हो चुका है। असी वैसे मेरा लड़का दूसरा जो सीगा वह भी उत्थे कम करता, वो ड्यूटी तो गया है, उसनू उन्हें कॉल की कि अपना ये तो डेड हो चुका है। फिर मेरा लड़का आया, उसने आके उन्हें देखा तो उसने भी यकीन हो गया कि नहीं रहा। फिर उन्होंने अपना मेडिकल टीम बुलाई, डॉक्टर साहब ने चेक किया तो उन्होंने भी उन्हें मृत घोषित कर दिता। बाद विच उन्होंने डेड बॉडी फिर एंबूलेंस दे विच पा के एक प्राइवेट संस्था दे विच उत्थे फ्रिज दे विच लगाया गया। कैनेडा दे विच कैलगरी दे विच काम करिया सीगा और 2018 तो PR हो के गया सी। असीं सरकार अगे यही बेनती करते हैं कि जो भी इस तरह का कोई दुर्घटना हो जाती है उसनू अपने पंजाब दे विच लियाउण वास्ते सरकार वल्लों उच्चे प्रबंध किए जाने चाहिए ने। आम आदमी अपने बल दे उत्ते अपने बच्चे नूं इत्थे वापस मृतक देह नूं नहीं लिया सकता, ते सरकारां नूं चाहीदा कि चाहे उत्थों दी सरकार होवे चाहे साढ़े भारत दी सरकार होवे, उहनूं पूरी साढ़े इस तरह दे जो केस हो जांदे ने उहनां दी मदद करनी चाहीदी है। क्योंकि बच्चे दी इक बॉडी लियाउण वास्ते बहुत ज़्यादा खर्चा हुंदा, जो हर आदमी ये खर्चा नहीं चल सकता। तो जे इन्ने ही मतलब ज़्यादा अमीर होण हो तो फिर इत्थों बाहर विदेशों के काम करने वास्ते क्यों जाण। इसलिए सरकारां नूं बेनती है कि ये साडी जो अपील है इहदी जरूर सुनवाई की जाए जी। ये भी यही है कि उत्थे कनेडा दे विच अज ज़्यादा बच्चे जा रहे ने, उत्थे डिप्रैशन दे विच रहिंदे ने, काम उन्हां नूं करना पैंदा हैगा, उन्हां नूं खाण पीण दा भी समां नहीं मिलदा, ना उन्हां नूं रेस्ट मिलदी है, कुछ इत्थों पिछा तो भी कुछ उन्हां नूं परेशानियां हुंदियां ने बच्चों नूं, क्योंकि 15-20 लाख रुपया ला के भेजदे हैं। माँ बाप भी पिछे कहिंदे ने कि सानूं कुछ ना कुछ तू भेज, फिर वह डिप्रैशन दे विच आ जांदा, वो किन्ना कि कम करेगा, उसनूं रेस्ट भी चाहीदी है। तो इस करके डिप्रैशन दे विच ही आके कई बच्चों का दिल के दौरे पै रहे ने, तो उन्हां दी डैथ हो जाती है। डैथ बारे यही कहना चाहते हैं जो मैडिकल हो गए गए उत्थे की करना, कोई गलबात है, कोई उत्थों की सरकार को कोई दवाई दवुई देनी चाहिए है। आम ही इतने हम कुरड़ की कुड़ी है, जो पहले हमीदी की सी, एक नवे शहर का भी उत्तर डैथ डैथ हुई हुई है, तो ये बीमारियां हार्ट दी ने उत्थे बढ़ रही हैं। दिन ये बारे कोई सरकार को चाहिए है कोई दवाई मैडिकल वगैरह, यही तो सरकार को चाहिए जी। मैडिकल तो करा के जाते ही है, कोई टेंशन है की है की गलबात है, ये तो उस सरकार पता है, सानू की पता। 20-22 लाख रुपया लग गया सीगा जी, जानते PR हो के गया सीगा, ते कम तो प्राइवेट जॉब करता सीगा। PR हो के गया सीगा जी, इतों 18 साल हो गए। जी मृतक देह हैगी पंजाब लैंदी जाएगी बाहर संस्कार किते जाएगा? नहीं जी, ज़्यादा उधर ही होगी संस्कार, इतने लिया जा रही पावरी नहीं है, खर्चे बहुत आते हैं। जब कोई सरकार मदद करे अभी तो लिया योग है नहीं, साढ़े को नहीं मदद, खर्चा अभी नहीं कर। मुख्यमंत्री साड़ी अपील है भी साड़ी कोई मदद करी जाए जी, डेड बॉडी तो लिया सही। दुख की घटना जी, असं यही कहना चाहते हैं कि बच्चों इधरों मसा पहला तो इधरलियाँ सरकार सब तंग कर रही है, बच्चों को रुजगार नहीं मिलता है, तो जी असं उधर सारा कुछ ला के असं पैसा मसा इकट्ठा करके असं बच्चे उधर भेजते हैं, तो उधर भी अटैक वो आ जाते हैं जी, बहुत बच्चों की घटना हुई है। तो जी सरकार चाहे इधरलियाँ चाहिए कि मदद करे, चाहे इधरलियाँ बच्चों इधर भी रुजगार मिल जाए, बच्चे साढ़े क्यों जाए, माँ बाप तो दूर क्यों होन। हुण जी असं इधर झुकी जाने तो बच्चे उधर झुकी जाते, जोड़े है परिवारों के परिवार बहुत बच्चों की घटना हो रही है जी, मजबूर तोरना पै रहा है जी। बच्चे इधर पढ़ लिख के उन्होंने कोई रुजगार ही नहीं, कोई नौकरी नहीं है, बच्चों खर्चे नहीं बच्चों के पूरे होंगे है,
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਤੋਰਨਗੇ ਜੋ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਾਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਗੇ, ਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ? ਤਿੰਨ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਛੋਟੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਏੜੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬੁੱਢੀ ਇੱਧਰ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਪਰ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੀਆਂ ਫਰੀਦ ਅਲੀ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98569-31603। 100% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਓ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਖੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਗੁਪਤ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।